नहीं पता नहीं चला है, दोनों आदमी इलाज में गए हुए हैं। इलाज में गए हुए हैं। वो चार चक्का पर कोई सरकारी आदमी का गाड़ी लग रहा है, बिहार सरकार और प्रशासन लिखा हुआ है। प्रशासन लिखा हुआ है लेकिन क्लियर हम लोग को कन्फर्म नहीं मालूम है कि जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से उनको अच्छा इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज़। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के भुट्टा चौक के समीप अभी एक जोरदार एक्सीडेंट हो गई, जो एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति और दूसरा चार चक्का वाहन वाले के बीच हुआ है। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का स्थिति नाजुक बताया जा रहा है। अभी तुरंत अच्छा इलाज के लिए सकरा रेफरल अस्पताल में भेज दिया गया है। यहाँ पे सकरा थाना टीम भी पहुँचे हुए हैं, स्थानीय लोगों का जमाव भी यहाँ पे भुजुंग भी लग चुका है। लेकिन आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, किनको पता था, क्या कुछ अभी तक हो पाया है, कैसे एक्सीडेंट हुआ। भैया पता है? हम अभी आए हैं। भैया कैसे हुआ है पता है? ना देखे, अभी तो आए किए हैं। नहीं देखे हैं। मोटरसाइकिल किधर से आ रहा था पता है? ये भी पता नहीं। रूपन पट्टी से मोटरसाइकिल आ रहा था और ये मतलब मुजफ्फरपुर इधर से और चार चक्का जो था किधर? समस्तीपुर इधर से। ज्यादा घायल कौन है? ड्राइवर है, बाइक वाला। बाइक वाला और चार चक्का वाला सब कहाँ है? पता नहीं, भाग गया। ड्राइवर को पकड़ा था चार चक्का वाला, फिर भी निकल गया। वो लोग भी इलाज कराने, दोनों आदमी इलाज कराने गए हैं। अब हम नहीं देखे, चार चक्का वाला उधर भागा है तो उसको। चलिए, स्थानीय यहाँ के मुखिया पति आए हुए हैं, क्या कुछ हुआ है मुखिया जी, कैसे पता चला आपको? एक्सीडेंट हुआ है, मालूम चला ग्रामीण के द्वारा कि एक्सीडेंट हो गया है और जाम लग गई है। फिर यहाँ पहुँचे हैं, स्थानीय प्रशासन भी आए हैं। कहाँ के लोग हैं पता चल पाया कि नहीं? ढोली सकरा के लोग हैं। मोटरसाइकिल वाला जी, चार चक्का वाले ये भी लोकल ही हैं। दोनों लोकल ही हैं, ढोली सकरा एकदम श्योर है? हाँ, वो ज्यादा घायल है कि कम है? नहीं घायल तो है, ज्यादा घायल है। नहीं मतलब ये स्थानीय मुखिया जो प्रतिनिधि थे, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे अभी रोड को जाम लगा हुआ था और बीच रोड पे हालांकि गाड़ी का आवागमन चालू हो गया है, इसलिए हम आपको पूर्णतः नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन देखिए जिस प्रकार बीच रोड पे ही एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो साइड प्रशासन के माध्यम से वो साइड को मोटरसाइकिल को हटा दिया गया है और दूसरा साइड फोर व्हीलर लगा दिया गया है। आइए हम थोड़ा मोटरसाइकिल का आपको स्थिति बताते हैं कि जी नंबर प्लेट है सर, नंबर प्लेट देखिए, गाड़ी एकदम नया है, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है और स्प्लेंडर हुंडा साइन गाड़ी है 125 cc, यानी कि गाड़ी एकदम नया चकाचक है। लेकिन हेलमेट का स्थिति देख के देखिए, पूरा इसमें ब्लड लगा हुआ है हेलमेट पर और हेलमेट भी टूटा हुआ है, लेकिन गाड़ी एकदम नया। ये पूजा पाठ हुआ है गाड़ी का, देख सकते हैं नया नया माला लगा हुआ है, नया नया मतलब चुंडरी लगा हुआ है। नंबर प्लेट नहीं होने के कारण हमको जहां तक लगता है कि गाड़ी हो सकता है अभी निकल के आ रही होगी या मतलब कुछ दिन पहले गाड़ी निकला होगा, लेकिन ये भी ढोली का बताया जा रहा है और फोर चक्का जो है चार चक्का वाहन वाले वो यहां के वो भी लोकल बताया जा रहा है। चलिए अब वो उसका बताते हैं कि उसका गाड़ी का स्थिति कैसा है। आप आइए, उस चक्का वाहन जो है BR06AX0959 मतलब कि 0959 ये चार चक्का वाहन का गाड़ी नंबर है। और उसके बाद देखिए ये भी पूरा अच्छा बिगड़ा हुआ है आगे का, ये तो इतना ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ है कि आप देख सकते हैं एक साइड का पूरा ढांचा। उसके बाद भी देखिए ये बिहार सरकार यानी कि प्रशासन, यानी लग रहा है कि ये बिहार सरकार यानी कि सरकारी आदमी का गाड़ी है। बोर्ड दिखाइए, थोड़ा बोर्ड दिखाइए, ये बोर्ड दिखा, देखिए बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और प्रशासन लिखा हुआ है यहाँ पे, बिहार सरकार का बोर्ड है, प्रशासन है, फिर भी इनको गाड़ी छोड़ के नहीं भागना चाहिए। हो सकता है कोई अधिकारी ये होंगे जो प्रशासन के माध्यम से इनको साइड कर दिया गया है। बीच रोड पर आमने सामने की टक्कर हुई है, हालांकि किसका गलती है, क्या हुआ, कोई स्थानीय लोगों से पता अभी तक नहीं चल पा रही है। उसके बाद हम आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर जो सवार व्यक्ति थे वो बुरी तरह घायल है, उनको सकरा रेफर अस्पताल में पहुँचा दिया गया है और ये भी जो फोर व्हीलर जो है उनका, उनको भी कहा जा रहा है कि सकरा रेफर अस्पताल में ही इलाज के दौरान रखा गया है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यह वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को आप बहुत जल्द सूचना पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि जो भी लोग होंगे उनके परिजन जल्द से जल्द घटनास्थल पर हो या सकरा रेफरल अस्पताल के कैंपस में पहुंचकर वो अपने परिजन से मिल पाए, वो अपने जो भी घायल हैं उनसे मिल पाए। बाकी ग्रामीण का हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है, प्रशासन पहुंचे हुए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको सारा रिपोर्ट बताने का प्रयास किए। कैसे सर पता चला, अभी तक पता चला कि नहीं किसी को? नहीं पता नहीं चला है, दोनों आदमी इलाज में गए हुए हैं। इलाज में गए हुए हैं। वो चार चक्का पर कोई सरकारी आदमी का गाड़ी लग रहा है, बिहार सरकार और प्रशासन लिखा हुआ है? प्रशासन लिखा हुआ है लेकिन क्लियर हम लोग को कन्फर्म नहीं मालूम है। लेकिन क्या चला है? हाँ। मतलब दोनों व्यक्ति घायल है, दोनों? हाँ, दोनों आदमी घायल है, दोनों में से। कितना आदमी थे बाइक पे ये हम नहीं, क्लियर नहीं, हम देखे ही नहीं तो हम क्या बता सकते हैं। मतलब बाद में आप पहुंचे? बाद में हम पहुंचे हैं। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया? हाँ, दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा। क्या पर्चा हुआ सर आपका? मैं SIC प्रसाद बोल रहा हूँ, सकरा थाना जी। तो ये प्रशासन थे और इनके माध्यम से बताया गया कि हमको जब सूचना मिली तो सूचना घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और पहुंचने के बाद देखे कि जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से उनको अच्छा इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था।
जितना हुआ उतना खबर हम जुटाने का प्रयास किया। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।